तो देखा आपने कल के इस जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, कल की कार्रवाई की, उससे आज होने वाले जो हंगामे हैं उसका एक संकेत मिलता है। बहरहाल आगे बढ़ते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनी भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी पहली बार 26 मई 2014 को काबिज हुए और 30 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल, और अब 8 साल पूरे होने पर पार्टी जन जन के बीच अपने काम गिना रही है। वहीं पीएम मोदी शिमला से गरीब कल्याण सम्मेलन में आज बड़ा तोहफा देने वाले हैं। आज उन लाभार्थियों के लिए खुशी का दिन है जब पीएम मोदी पहले उनसे संवाद करेंगे, फिर उनके खाते में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करेंगे। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 16 सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से रूबरू होंगे। इस दौरान पीएम गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत देश भर के 17 लाख से ज्यादा लोगों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। फिर किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी करेंगे, जिसमें करीब 21,000 करोड़ की राशि से 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। ये किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त है जिसे पीएम जारी करेंगे। इसके अलावा 16 योजनाओं के लाभार्थियों से पीएम बात करेंगे। गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन शिमला से होगा, जहां वो सुबह 11 बजे पहुंचेंगे। जिन 16 योजनाओं के लाभार्थियों से पीएम रूबरू होंगे वो 9 मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। इसमें आवास, पानी, भोजन, स्वास्थ्य पर फोकस होगा। इस कार्यक्रम में सीएम योगी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्रियों की भी मौजूदगी रहेगी, जबकि सभी सांसद मंत्री अपने अपने क्षेत्र के लाभार्थियों के साथ कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके अलावा देहरादून में सीएम आवास के जनता दर्शन हॉल से भी ये कार्यक्रम वर्चुअली जुड़कर देखा जाएगा, जिसमें कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद होंगे। बताया जा रहा है कि ये सम्मेलन देश में अब तक का सबसे बड़ा एकल कार्यक्रम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको आज सुबह 7 बजे की 7 सुपरफास्ट खबरें दिखा देते हैं। यूपी बजट सत्र का आज आखिरी दिन, आज सदन में बजट पास कराएगी भाजपा सरकार। पार्टी ने जारी किया व्हिप, सीएम योगी बजट अभिभाषण पर दोपहर 1 बजे रखेंगे बात। आज भी सदन में हंगामे के आसार। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के बाकी बचे 2 उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान हुआ। मिथिलेश कुमार और के लक्ष्मण को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। आज सभी 8 उम्मीदवार दाखिल करेंगे अपना नामांकन। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे मौजूद। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर पीएम मोदी आज विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे पैसे। सीएम योगी के साथ मंत्री, सांसद भी वर्चुअली जुड़ेंगे। आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कई कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। पीएम के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर संवाद कार्यक्रम में होंगी शामिल। चंपावत उपचुनाव के लिए जारी है मतदान, शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। भाजपा की ओर से सीएम पुष्कर सिंह धामी तो कांग्रेस की ओर से निर्मला गहतोड़ी है प्रत्याशी। मतदान होने तक नेपाल बॉर्डर पर बंद रहेगी आवाजाही। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की तस्वीर सामने आई, एबीपी गंगा को मिला वजू खाने का एक्सक्लूसिव वीडियो। सर्वे के दौरान का बताया जा रहा है वीडियो, शिवलिंग होने का दावा। दीवारों पर उखरे मिले त्रिशूल और हाथियों के चिन्ह। विधायक निधि दुरुपयोग मामले में पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 20 मई को सुरक्षित रखा था फैसला।